साधारण चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। और जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है, और जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता है, और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अगर इस चुनाव में जो भी लोग इस देश को प्यार करते हैं वो सब के सब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे, और जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। और एक बात मैं और बता दूं, मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था, जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता।